आज हम क्लोरोफाइसी के मेंबर वॉलवॉक्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी क्लास शैवालों की सबसे लार्ज क्लास होती है और इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए इस क्लास को ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स अधिकतर अलवणीय जल में पाए जाते हैं और इनका जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और कैरल्स भी पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल फेट और स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के मिलकर बनी होती है और इसका जो थैलस है वो यूनिसेल्युलर होता है, मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। और जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेल्युलर मेंबर्स आपस में एक जिलेटिनस रिंग बना करके एक कॉलोनी का निर्माण भी कर सकते हैं। फ्लीजिला या कशाबिका दो चार प्रकार की होती है, दो या चार हो सकती है और टाइप विल बी विप्लेश। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लैंगिक जनन पाया जाता है जो कि आइसो एनाइसो और उगेमस तीनों प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वॉलवॉक्स। डिवीज़न इज थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉलवोकेल्स, फैमिली स्फेरिलेसी और जीनस वॉलवॉक्स। यहाँ हम स्पीशीज ग्लोबेटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अक्रेंस या प्राप्ति स्थल स्वच्छ जली वातावरण में और कॉलोनी बना कर की फॉर्म में रहते हैं। ये जो वॉलवॉक्स हैं वो ठहरे हुए वाटर में जैसे कि झील, लेक, तालाब, वहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे ऑलपिन का पिन हेड होता है, ऑलपिन के जो ऊपर का सिरा होता है उस सिरे के समान ये जल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। कभी इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि पूरा वाटर का कलर सरफेस जो है वो भी ग्रीन दिखाई देती है। वॉलवॉक्स का लैटिन में मीनिंग होता है लुढ़कना, इसीलिए इसको रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है। इंडिया में वॉलवॉक्स की 20 स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस या सुकाई की संरचना। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गा है और इसकी आकृति जो है वो ओवल शेप की या स्फेरिकल शेप में होता है। कलर येलो ग्रीन कलर का होता है और जो कॉलोनी है वो होलो होती है, अंदर से कॉलोनी खोखली होती है और कॉलोनी का इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवीज़न पाया जाता है। एंटीरियर या अग्रसिरा जो होता है उस पार्ट की अधिकतर जो सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है और पोस्टीरियर पार्ट या पश्च सिरे पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सारी सेल रिप्रोडक्टिव नेचर की होती है और जो वेजिटेटिव सेल होती है उनसे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसे हम सिनोबिया या सम्मंडल कहते हैं और इस सिनोबिया का आकार लगभग 0.5 mm तक पाया जाता है, जिसे हम नेकेड आई से भी आसानी से देख सकते हैं। सिनोबिया में मेंबर्स की संख्या या कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। लगभग एक सिनोबिया में 500 से लेकर के 60,000 तक मेंबर्स पाए जाते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग सिनोबिया में मेंबर्स की संख्या वेरी कर रही है। सिनोबिया के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस आवरण होता है, कवर होता है, जिसके अंदर की सारी सेल्स आपस में बंधी रहती है और ये जो सिनोबिया है वो अंदर से खोखला होता है। सिनोबिया की हर सेल, प्रत्येक कोशिका भी उसके चारों तरफ भी म्यूसिलेजिनस शीत पाई जाती है और सभी जब आपस में मिलकर के सिनोबिया बनाती है तो उस सिनोबियम के चारों तरफ भी एक म्यूसिलेजिनस शीत कवर करके रखती है। इस स्लाइड में आप वॉलवॉक्स की एक कोशिका को देख सकते हैं कि एक कोशिका के चारों तरफ भी म्यूसिलेजिनस वॉल बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये सिनोबियम मोशन कैसे करता है, उसमें गति कैसे होती है। तो जो सिनोबियम में जितनी सेल्स हैं उन सेल के अंदर जितने फ्लेजिला प्रेजेंट है
उन फ्लेजिला के कारण ही सिनोबिया मोशन कर पाता है। और जितनी फ्लेजिला एक सिनोबिया में प्रेजेंट है, वो फ्लेजिला एक रोटेशन करती है, रोटेशन भी कोरिलेशन के साथ रोटेशन करती है, जिससे कि मूवमेंट जो है वो लुढ़कने वाला मूवमेंट बन पाता है। तो जब सिनोबिया में मोशन होता है, उस समय सारी सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन करती है, लेकिन रेस्पिरेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो हर सेल के अलग अलग होते हैं। सिनोबियम में जो सेल्स पाई जा रही है एक सिनोबियम के अंदर, वो सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना, तो वॉल बॉक्स इज यूनिसेलुलर मेंबर, कोशिकाओं का सेल की आकृति पियर शेप्ड या नाशपति के आकार की होती है, जिसमें कि इंटीरियर पार्ट पर, एंटीरियर पार्ट या अग्र सिरे पर दो विप्लेश टाइप की फ्लेजिला निकली रहती है, और हर सेल जो है वो उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी रहती है। हम आगे बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल या परासंरचना। सेल वॉल, बाहरी सेल वॉल जो है, सेल वॉल का आउटर पार्ट पैक्टिन का बना होता है, जो कि म्यूसिलेजिनस शीथ बनाने में हेल्प करता है, और एंटीरियर पार्ट पर एक पेपिला बना रहता है, उभार होता है, और उस उभार से दो विप्लेश टाइप की फ्लेजिला बाहर निकलती है, और जिनका ओरिजिन जो है वो बेसल ग्रेन्यूल से होता है। आई स्पॉट या द्रक बिंदु रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि पिगमेंट ग्लोब्यूल्स, बहुत सारे पिगमेंट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इसका निर्माण क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की स्मॉल ड्रॉप्स की दो लेयर के कारण निर्मित होता है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में थायलेकोइड का एक पैर पाया जाता है, और इसका जो रेड ऑरेंज कलर है वो कैरोटीनाइड पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण होता है। आई स्पॉट एक प्रकाश संवेदी ऑर्गन होता है, और ये जो सिनोबिया है उसकी ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला पाई जाती है, कोशिका के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वॉक्स में हैप्लोइड क्रोमोसोम्स n इक्वल टू 5 होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स के पास में दो कॉन्ट्रेक्टिव वैक्यूल पाई जाती है, दो संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती है, और इनका काम उत्सर्जन का होता है। जितना भी वेस्ट मटीरियल इस सेल में बन रहा है, वो वेस्ट मटीरियल कॉन्ट्रेक्टिव वैक्यूल के द्वारा ही सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पायरिनोइड प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो लेमिनेट फॉर्म में, ताराए या स्टार के शेप में, पायरी फॉर्म में या स्टीलेट फॉर्म में पाई जाती है। वॉल्वॉक्स में लेबर डिवीज़न पाया जाता है, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसमें लेबर डिवीज़न पाया जाता है। केवल गति के समय सभी कोशिकाएं कोऑर्डिनेशन में काम करती है, इसके अलावा उनका न्यूट्रिशन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सारे जो एक्शन है वो स्वतंत्र रूप से हर कोशिका अपना अपना करती है। सिनोबिया में जो वेजिटेटिव सेल हैं वो सब मोशन और न्यूट्रिशन का काम करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगी वो डॉटर कॉलोनी बनाने के काम में आती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो अंडधानी और पुंधानी फॉर्मेशन का काम करती हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।